हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का इस साल 100वां उर्स है। बीते 2 सालों से कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते उर्स का आयोजन नहीं हो पाया था। इस साल उर्स का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ किया गया है। साथ ही 100वें उर्स पर निकले शाही संदल का अपना एक विशेष महत्व है। बाबा ताज के उर्स की रौनक और उर्स के मौके पर निकले शाही संदल की रंगत देखते ही बन रही थी। हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन के 100वीं सालाना उर्स पर ट्रस्ट द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसी श्रृंखला में आज निकले शाही संदल की रौनक देखते ही बन रही थी। इस दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान द्वारा आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए 100वीं सालाना उर्स की शुभेच्छा दी गई। साथ ही श्रद्धालु के लिए ट्रस्ट द्वारा किए गए सुविधाओं की जानकारी भी प्यारे खान द्वारा दी गई। संदल में आज जो है कितनी पब्लिक आई है, क्या बताओगे? ये देखिए, पब्लिक तो लाखों में आ रही है और काफ़ी सारी पब्लिक आ रही है। और संदल यहाँ बाबा में दरबार में चढ़ के इधर से रास्ते से निकल रहे, तो हमने अरेंजमेंट संदल के लिए इस बार बहुत अच्छा किया, लोगों के रुकने के लिए भी किया है, तो काफ़ी सारा अरेंजमेंट है। बिल्कुल अरेंजमेंट है। इसमें जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए कौन सी सुविधाएँ, मतलब जैसे खाने की सुविधाएँ, लंगर है, वो कैसे रूट पे किए गए या नहीं? नहीं, हमने इस बार लंगर का जो अरेंजमेंट है, पहले एक जगह रहता था, इस बार 10 जगह अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया लंगर को, क्योंकि किसी भी जायरीन को तकलीफ ना हो और भीड़ भड़का ना हो। और जायरीन इतने ज़्यादा है, श्रद्धालु इतने ज़्यादा है कि उनके लिए हमने अलग 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 अरेंजमेंट किए हैं कि किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और एक जगह भीड़ ना हो। 2 साल बाद बाबा ताजुद्दीन के उर्स पर निकले शाही संदल में कई श्रद्धालु शामिल हुए थे। संदल में ढोल नगाड़ों के साथ कव्वालियों की धुन चार चांद लगा रही थी। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का इस साल 100वां उर्स है और बीते 2 सालों से कोरोना के चलते ये उर्स नहीं हो पाया था, उर्स का आयोजन नहीं हो पाया था। इसलिए एक लंबे अरसे के बाद जो है इस साल उर्स का आयोजन किया गया है। नागपुर शहर में बाबा ताज के उर्स की रौनक और उर्स के मौके पर निकले शाही संदल की रंगत देखते ही बन रही है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु हमें इस उर्स में दिखाई दे रहे हैं। शाही संदल की रौनक और रंगत ने हमेशा की तरह एक बार फिर राष्ट्रीय एकात्मता और हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिसाल भी कायम की है। हर साल की तरह इस साल भी ये शाही संदल का जो है आयोजन यहाँ पे किया गया है और ये भव्य ऐसा शाही संदल होता है शहर में और ये एक उर्स का एक हिस्सा होता है। और आज जो है बड़ी संख्या में इस संदल में जो है भाविक श्रद्धालु शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।